नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में और खबरों का रुख करेंगे। संसद का पहला टेस्ट नरेंद्र मोदी ध्वनि मत से जीत चुके हैं और राहुल गांधी एक बार फिर अपनी बाजी हार गए, क्योंकि जिस ओम बिरला के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को स्पीकर पद का प्रत्याशी बनाया था वो बिना वोटिंग के ही हार गए और ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर चुन लिए गए। लोकतंत्र के मंदिर में बिना वोटिंग बिना तनाव मोदी ने पहली परीक्षा जीत ली और ओम बिरला लगातार दूसरी बार ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर बन गए। दोज इन फेवर में से आए, दोज अगेंस्ट में से नो, आई थिंक द आईज हैव इट। वैसे तो लोकतंत्र में चुनाव किसी भी पद के लिए हो, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का पद ऐसा है जिसमें आम राय को हमेशा तवज्जो दी जाती रही है। वजह यह है कि सदन के सुचारू संचालन के लिए अध्यक्ष को दोनों पक्षों का सहयोग चाहिए होता है। तभी तो जब पीएम मोदी ने ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनने पर बधाई दी तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर निर्वाचित होने पर ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा, विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा आपके इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। कॉन्फिडेंट दैट यू विल अलाउ अस टू रिप्रेजेंट आवर वॉइस, अलाउ अस टू स्पीक, अलाउ अस टू रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। स्पीकर सर, द क्वेश्चन इज नॉट how efficiently the house is run, the question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this country. So the idea, Speaker sir, so the idea that you can run the house efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. बेशक आज सदन में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, बिना विरोध बिना हुटिंग के स्पीकर के नाम पर मुहर लगी, लेकिन स्पीकर के चुनाव के बाद जो संसदीय परंपरा की तस्वीर आई वो सबसे खूबसूरत है। स्पीकर के चुनाव के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और इसके बाद दोनों नेता नए स्पीकर ओम बिरला को लेकर स्पीकर के आसन तक पहुंचे और उन्हें आसन ग्रहण करवाया। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं और नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी नए स्पीकर को उनके आसन तक लेकर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और संसद में आज एक खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने नए स्पीकर को उनके आसन तक पहुंचाया थी। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने के साथ ही संसद के अंदर से सियासत की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। संख्या बल ज्यादा होने के चलते बगैर चुनाव के ही एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए। श्री ओम बिरला इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। इसके बाद जो तस्वीर लोकसभा से आई वो लोकतंत्र की स्वस्थ तस्वीर जरूर कही जा सकती है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने जैसे ही ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने की घोषणा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठकर ओम बिरला की तरफ बढ़े। कुछ ही पल में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी वहां पहुंचे, ओम बिरला को शुभकामनाएं दी
और फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाया। राहुल और पीएम मोदी की इस तस्वीर ने संसद में मौजूद सभी सांसदों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ ओम बिरला को चेयर तक लेकर गए। ये परंपरा रही है कि सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुने गए सांसद को उनकी सीट से लेकर अध्यक्ष की कुर्सी तक जाते हैं। ये एक ऐतिहासिक पल था। इससे पहले साल 2018 में भी सदन से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जहां राहुल गांधी सदन में पीएम मोदी के गले मिले थे। हालांकि तब ये तस्वीर काफी सुर्खियों में रही थी और इस पर सियासी घमासान भी मचा था। अब एक बार फिर पीएम मोदी से राहुल गांधी का हाथ मिलाते तस्वीर सदन से सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आपातकाल के 49 साल पूरे हो चुके हैं। इस मामले पर लोग चर्चाएं भी करते हैं। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 18वीं लोकसभा के नए स्पीकर की कुर्सी पर बैठते ही ओम बिरला ने इमरजेंसी के दौर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया, जिस पर कांग्रेस गरम है और सियासत चरम पर। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा के स्पीकर बनते ही ओम बिरला ने इमरजेंसी के दौर को याद करते हुए कड़ी निंदा की। इमरजेंसी को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। स्पीकर ने निंदा प्रस्ताव भी लाया। यही नहीं, सदन में आपातकाल के विरोध में 2 मिनट का मौन भी सांसदों से रखवाया। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के इमरजेंसी पर दिए बयान के बाद सदन में सियासत बेहद गर्मा गई। ओम बिरला के निंदा प्रस्ताव पर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर की इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव सदन में पेश किए जाने को लेकर कांग्रेस बेहद गर्म है। पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। नहीं देखिए, आज पहला दिन था उनका और इस तरह के इश्यूज पे उनको कायदे से नहीं बोलना चाहिए था। जब बनी मत से वो बने थे, इसका मतलब सारे लोग का विश्वास था उनमें और पहले दिन से ही पार्टीशन एटीट्यूड करके कांग्रेस को और विपक्ष को टारगेट करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। उनको संसद की मर्यादा और गरिमा बनाए रखना। आपातकाल को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने देश पर वो काला कानून थोपा था जिसने लोगों की स्वतंत्रता छीन ली थी। 21 महीने तक देश बेहद कठोर कानून की वजह से सिसकता रहा। ऐसे में इमरजेंसी का नाम आते ही कांग्रेस को क्यों गुस्सा आता है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और एमपी और छत्तीसगढ़ में भी आपातकाल को याद किया गया। एमपी में सीएम मोहन यादव ने स्कूल में आपातकाल का चैप्टर पढ़ाने का ऐलान किया है, तो छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने मीसा बंदियों को 5 साल का पेंशन देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देश आपातकाल के सालों बीत चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र पर लगे उस गहरे जख्म की यादें अभी भी ताजा हैं। बीजेपी इसे काला दिन कहती है। एमपी और छत्तीसगढ़ में इस मौके पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मीसा बंदियों का सम्मान किया गया। भोपाल में आयोजित मीसा बंदी सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अब 1975 में लगे आपातकाल के संघर्ष को स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा। आपातकाल का संघर्ष पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मीसाबंदी सम्मेलन में प्रदेश भर के 750 मीसाबंदी और उनके परिजन मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मीसाबंदियों ने आपातकाल और जेल जाने के संस्मरण सुनाए। के लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक खेलने की छूट दो, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं, इसमें क्या दिक्कत है।
इधर रायपुर में भी सीएम आवास में आपातकाल स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने मीसा बंदियों की सम्मान निधि को 5 साल वर्ष रोक कर रखा था। बीजेपी सरकार ने सेनानियों या उनके परिजनों को पूरे 5 सालों की राशि देने का काम शुरू कर दिया है। जो पिछले 5 वर्षों में उनका जो सम्मान राशि रोक दिया गया था, वो फिर से चालू किया जाए, तो उसको हम लोगों ने चालू किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया, और ये कोई बड़ी राशि नहीं है लेकिन एक सम्मान है। सीएम विष्णुदेव साय ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में इंदिरा गांधी की सरकार ने बर-बर यातनाएं दी। इस देश में आपातकाल थोपा गया था, उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका लोकसभा का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट निरस्त कर दिया था, और प्रधानमंत्री बने रहने के लालच में उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति से आपातकाल घोषित करवा दिया था, और वो आपातकाल को सोचकर ही मन सिहर जाता है। हम लोग तो बच्चे थे, लेकिन वो परिवार कैसे कष्ट में रहा हम सब लोगों को मालूम है। जब जब आपातकाल का जिक्र आता है, बीजेपी देश को ये बताना नहीं भूलती कि कांग्रेस की सरकार में कैसे लोकतंत्र पर चोट किया गया। संसद से लेकर सीएम आवास तक इस बार भी बीजेपी आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और दिल्ली की सबसे चर्चित शराब नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम पर जांच एजेंसियों का दोहरा झटका लगा। ईडी की जांच की जद में आए अरविंद केजरीवाल पहले से ही जेल में है, और अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री भी हो गई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नई मुसीबत में फंस गए हैं। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, यानी ईडी के बाद अब सीबीआई के सवालों से अरविंद केजरीवाल का सामना होगा। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करे या नहीं, इसे लेकर भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। सीबीआई के वकील ने अपनी दलील दी तो केजरीवाल के वकील ने पूरे मामले में सीबीआई के एक्शन में आने पर ही सवाल खड़े कर दिए, और केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तारी की है वो चिंता का विषय और संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। सीबीआई की तरफ से दाखिल रिमांड अर्जी की कॉपी भी हमें दी जाए। इस पर सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए साफ कर दिया कि सीबीआई के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो पूछताछ से पहले केजरीवाल के वकीलों को सूचित करे। हमने कोर्ट से इसकी अनुमति मांगी थी, लिहाजा केजरीवाल को हमारी हिरासत में भेजा जाए। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। हिरासत में लेते ही सीबीआई ने कोर्ट में ही केजरीवाल से पूछताछ की। पूछताछ के बाद सीबीआई ने केजरीवाल की रिमांड की भी मांग की, जिस पर लंबी बहस हुई। बहस में सीबीआई ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जब गोवा दौरे पर गए थे तो उनका खर्च हवाला के जरिए दिया गया। सीबीआई ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाला। केजरीवाल ने शराब नीति से खुद को अनजान बताया। हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। मनीष सिसोदिया को लेकर लगाए गए आरोपों पर केजरीवाल ने खुद अपना पक्ष रखा। केजरीवाल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, सीबीआई अपने सूत्रों से झूठी खबरें चला रही है। सीबीआई का प्लान हमें मीडिया में बदनाम करने का है। एक तरफ कोर्ट में केजरीवाल के रिमांड पर बहस हो रही थी तो कोर्ट के बाहर इस पर सियासत भी जोरदार जारी थी। मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए, अरविंद केजरीवाल एक शब्द बोलने नहीं आए, सड़क पे एक बार नहीं उतरे, लेकिन विभव कुमार की गिरफ्तारी पर सड़कों पे आंदोलन करने के लिए उतरे। फिलहाल जो कड़ियां लगातार जुड़ रही हैं, उसका नुकसान केजरीवाल को ही हो रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी
जल्द से जल्द इस मामले में कोई ठोस रास्ता तलाशना चाहती है। और जैसे जैसे नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई की जांच तेज होती जा रही है, वैसे वैसे मामले में रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन अब सीबीआई को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि कोर्ट ने पेपर लीक कांड में दो आरोपी चिंटू और मुकेश को सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। उम्मीद है कि अब सीबीआई दोनों आरोपियों से कई अहम राज उगलवाने में कामयाब होगी। नीट पेपर लीक मामले में देशभर में हंगामा हो रहा है। दोबारा परीक्षा कराने को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी बीच सीबीआई को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दो आरोपी चिंटू और मुकेश को की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। चिंटू और मुकेश ये दो वही आरोपी हैं जिन पर बच्चों को पेपर लीक कराने और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाने का आरोप है। अब रिमांड के दौरान सीबीआई इन दोनों आरोपियों से पूछेगी कि कुल कितने बच्चों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए थे, कहां से और कब किस तरह से प्रश्न पत्र उन्हें मिला और कितनी जगह पर प्रश्न पत्र और उत्तर भेजे गए। इसके अलावा भी कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना सीबीआई की पूछताछ का हिस्सा होगा। इधर हजारीबाग में जांच एजेंसी के तीन अफसरों ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक से कई घंटों पूछताछ की है। सीबीआई की टीम सबसे पहले प्रिंसिपल के घर गई, वहां उनसे पूछताछ की और बाद में प्रिंसिपल को ओएसिस स्कूल ले गई और मामले से जुड़े सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में हजारीबाग से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से पिछले दिन ईओयू की टीम ने जो है कई पहलुओं पर जांच किया है, हजारीबाग में यह जो है परीक्षा केंद्र बनाया गया था जहां पर विद्यार्थियों का परीक्षा लिए गए थे, आज जो है सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है और इस विद्यालय के प्रिंसिपल से कई तरह की जो है वो पूछताछ चल रही है। अगर कुछ देर पहले की हम बात कर ले तो हजारीबाग के जो इसी विद्यालय के जो प्रिंसिपल एहसानुल हक है उनके घरों पर पूछताछ की गई, उसके बाद तीन सदस्यीय टीम जो सीबीआई की है वो लेकर उन्हें यहाँ पहुंचे और अभी जो है आम जानकारियां वो इकट्ठा की जा रही है। देखना यह होगा कि जिस तरीके से यह पूरा मामला हजारीबाग से जुड़ा है इसमें क्या कुछ और भी तथ्य सामने आते हैं और आगे की जो है कार्रवाई क्या कुछ हो पाती है। उम्मीद है कि पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा और पूरे रॉकेट का भंडाफोड़ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर विवादों में रहे सैम पित्रोदा को कांग्रेस में फिर बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का दोबारा चेयरमैन बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में विवादित बयान की वजह से उन्हें पद से हटा दिया गया था। खरगे ने पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस की फिर कमान सौंप दी है। और केन्या में टैक्स विरोध पर भड़की जनता ने संसद में ही आग लगा दी। केन्या की राजधानी नैरोबी की हालत तो विस्फोटक है। अब तक विरोध प्रदर्शन में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहां अब इमरजेंसी जैसे हालात हैं और इसे देखते हुए भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीयों को सावधानी बरतने और बाहर ना निकलने की सलाह दी है। टैक्स बिल पर धधा उठा केन्या। संसद में लगा दी आग, सड़क पर कत्लेआम। सरकार के खिलाफ विद्रोह, सड़क पर संग्राम। केन्या में टैक्स बढ़ाने वाले बिल के पास हो जाने के बाद वहां लोगों में गुस्सा ऐसा फूटा कि पूरा देश विद्रोह की आग में जल उठा। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोग संसद की तरफ बढ़े और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तक केन्या के इतिहास में नहीं हुआ था। प्रदर्शनकारियों के संसद में धावा बोलते ही सभी सांसद जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए और इसके बाद लोगों की भीड़ ने संसद के एक हिस्से में आग लगा दी। संसद के अंदर घुसे लोगों ने जमकर तोड़ फोड़ की। हालात इतने खतरनाक थे कि हिंसा के दौरान सांसदों को एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए बाहर निकाला गया।
वहां से आई एक तस्वीर में संसद परिसर के अंदर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बवाल करते दिखाई दिए। उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल के लोग उन पर गोली चलाते और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ते नजर आए। राजधानी नैरोबी से आई एक तस्वीर में संसद की सुरक्षा कर रहे कुछ जवान हथियारों के साथ पोजीशन लेते दिखाई दिए, ताकि वो प्रदर्शन कर रहे लोगों को किसी भी सूरत में आगे बढ़ने से रोक सके। लेकिन हालात तब ज्यादा खराब हो गए जब सड़क पर लगाए गए बैरिकेड को तोड़ते हुए सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए। इसके बाद तो संसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने उन पर दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी। नैरोबी में कम से कम 5 लोगों की इस हिंसा में मौत हो गई है और 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। केन्या में सरकार विरोधी प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश पर संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि सरकार को संयम बरतने की जरूरत है। Looking at what is going on in Nairobi and in Kenya, where Secretary General is obviously deeply concerned over the reported violence that we've seen connected with these protests and these street demonstrations. He's very much saddened by the reports of deaths and injuries, including journalists and medical personnel. Kenya में कई हफ्तों से टैक्स बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इस बिल के तहत राष्ट्रपति विलियम रूटो की सरकार देश में टैक्स बढ़ाने वाली है। इसके तहत देश में पढ़ाई से लेकर सभी जरूरी सेवाओं पर रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने केन्या के राष्ट्रपति रूटो पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद जनता के साथ धोखा किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि रूटो ने गरीबों की मदद करने का वादा किया था। प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति रूटो ने देश में सेना को तैनात करने की घोषणा की है और अब देश में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। और खबर सरदार में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।